हेलो स्टूडेंट, वन सेकेंड चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 तक का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया गया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर पहले आप देख लीजिएगा 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक का, ठीक है। 4 से यहाँ आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा क्वेश्चन को। इस वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। तो पिछले क्वेश्चन बता चुके थे कि हम लोग क्या निकालना होता है, एक्स निकालना होता है वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी सॉल्व कर देते हैं। हम लोग पास में है 6x = 12, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आप देखिए 6x = 12 है, तो हमको x रखना है वन साइड में, x रख लिए इक्वल टू 12। ये 6 जो है इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या चीज होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, भागम हो जाएगा। तो 6 का टेबल से ही कट जाएगा, 6 1 6 और 6 2 12, यानी 6 का 6 6 में 12, दो बार में कट गया, तो यानी कि हम लोग का x का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। तो ये हम लोग का हल हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या दिया, t/5 = 10। यहाँ सबसे पहले आपको चुनना क्या है कि वेरिएबल आपका, यानी कि बोल सकते हैं चार पद कौन है, तो t है, तो t को रखेंगे एक साइड में, बाया साइड में रख लेते हैं, और 10 उधर चला गया। ये जो 5 है ये क्या है, इसके साथ तो डिवाइड है, डिवाइड वाला नंबर दूसरे साइड में जाएगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि गुना में हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे, तो गुना कर लेते हैं 10 × 5, गुना करेंगे तो हो जाएगा 50, तो टी बराबर कितना आ गया, 50। तो ये भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में क्या दिया है, 7x - 9 = 16 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग 7x - 9 = 16 दिया हुआ है। अब यहाँ हम लोग क्या करना है, हमको x निकालना है, x साइड रखना है, बाकी सारे नंबर्स को दूसरे साइड में भेज देंगे, ठीक है। ये -6 - -9 को इधर भेजते हैं 16 के साइड में, इधर सिर्फ क्या बचेगा बाएं साइड में 7x, पहले से उधर क्या था 16, अरे -9 इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। इधर कितना बचा हुआ लेफ्ट साइड में, हम लोग बचा हुआ 7x। अब इसको क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग जो यहाँ किए थे क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी 5 में 6x मल्टीप्लाई था, इसी तरह यहाँ देखिए अब x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है 7। हमको हमेशा क्या चाहिए रहता है, x का वैल्यू चाहिए रहता है, x का वैल्यू को हम रखेंगे बाएं साइड में लेफ्ट साइड में, और 7 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग 25/7 हो गया, तो ये तो कटेगा नहीं, है ना, कटेगा नहीं, तो ये भी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या दिया हुआ है, 1.6 = y/1.5, 1.6 = y/1.5 है, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, फिर से हम लोग क्या करें, अब इस बार जो है ना y यहाँ पर है, ठीक है, तो इस बार y को इधर ही रखते हैं। पहले से क्या दिया हुआ है 1.6, ये देखिए आप इसको, है ना, कितना है 1.5, यानी 1.5 कहाँ पर हम लोग का है, नीचे में है, डिवाइड में है, तो क्या करेंगे इसका, जो डिवाइड में इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, गुना में हो जाएगा। गुना कर लेंगे तो 15 और 16 का गुना करना है, सिंपली हम लोग 15 और 16 का गुना कर लेंगे, 5 × 6 = 30 हो गया, ठीक है, 6 × 3 = 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 × 6 = 90 हो गया, 15 × 1 = 15 हो जाएगा, ठीक है। 0 × 9 = 6 कितना हो जाएगा, 14 × 1 = 1 = 2 = 240 हो गया, ठीक है। ये आ गया 240 बराबर वाई, लेकिन दशमलव में था, तो क्या है, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, ऐसा वाला आपको पढ़ा चुके हैं 7th क्लास में, ठीक है, 7th क्लास में ऐसा बहुत पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, ठीक है। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा नंबर को, है ना, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, पीछे से हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो 2 अंक के बाद, तो यहाँ भी हम लोग 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, 0 और 4 अंक के बाद ये लग गया हम लोग का दशमलव, यानी 2.40, यानी हम लोग बोल सकते हैं y बराबर कितना है 2.40 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।